पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि अभी की अचानक मौत के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए उन लोगों के घर जाता है जो अभी के साथ पर्सनली कनेक्टेड था, और पुलिस किसी नतीजे पे पहुंच ही रहा होता है कि तभी अचानक रहस्यमय तरीके से राहुल का भी मर्डर हो जाता है। पुलिस को भी पता चल गया था कि कातिल एक एक करके सारे सबूत मिटा रहा है। तो आइए देखते हैं, कातिल कोई और गुनाह करने से पहले पुलिस उसको पकड़ पाता है या कातिल अपने सारे सबूत मिटाने में कामयाब हो जाता है। राहुल की मौत से ठीक एक दिन पहले अगले दिन सुबह मुझे राहुल पे शक हो रहा है। क्या पता कब वो मुंह खोल दे और हम फंस जाए। अगर हमें बचना है तो उसे रास्ते से हटाना होगा। कौन है? कौन है बे? सर, एक मामूली सा केस सॉल्व करने में आपको और कितना टाइम लगेगा? सर, वो एक एक करके हमारे सारे दोस्तों को मार रहा है और आप लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हो। और सर, ऊपर से अलास्का कोई अता पता नहीं है। तुम लोग घबराओ मत, मैं देखता हूँ। हेलो मिश्रा जी। हाँ, अच्छा ठीक है, रुको, तो फोन आ रहा है। हाँ, मैं आपको लगा रहा हूँ थोड़ी देर में। जय हिंद सर जी। वो दोनों कहाँ है? वो दोनों तो सर अभी बाजार के लिए गए हैं। सर पागल है आप, उन्हें जाने क्यों दिया? एक बार मुझसे पूछ लेते, आपकी वजह से यहाँ पर और एक मर्डर हो गया। हाँ सर जी, वो लोग आ गए सर जी। आ गए? पकड़ो सालों को, मैं अभी पहुँच रहा हूँ। अभी पकड़ता हूँ सर जी। हाँ सर जी। साला कितना क्राइम करता है वे तू लोग। हाँ चल निकलो। सर सर एक मिनट रुकिए सर, एक बार मेरे पास सुनिए सर, अगर मैं मर्डर करता तो मैं वापस आते क्या सर? एक बार सोचिए। सर रोज रोज का टोटो सा था ना, अब मुझे यहीं पे रख दो जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता है। जबान लड़ाता है तू? चुप। नमस्ते सर जी। नमस्ते को डालो अपने गांड में, और ये बताओ उस दिन झूठ क्यों बोला था? नहीं सर, मैंने तो कोई झूठ नहीं बोला। अभी भी नाटक? हाँ साले गांड के अंधे, सच बोल। तुम उस दिन लाश को देखते नहीं? मत मेरे से, मत सर, बोल रहा हूँ उस दिन क्या था। बोल रहा सर, बोल रहा हूँ।
दरअसल उस दिन सर मैं काम करके आया था सर। ओए रुक रुक, क्या कर रहा है भाई तू लोग इधर में? अरे बस्ते में क्या है? अरे ये बदबू क्या आ रहा है इसमें? दिखा। नहीं नहीं भैया, घर का कूड़ा कचरा है, इतना दूर फेंकना है? बेवकूफ समझा क्या मुझे? दिखा अंदर में क्या है। ये क्या लाश? रुको, अभी सभी बस्ती वालों को बुलाता हूँ। नहीं 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 भैया, किसी को मत बोलना, प्लीज। ये क्या, मुझे भीख दे रहे हो? दोबारा इस बस्ती में कभी मत दिखना। पुलिस से झूठ बोलेगा सर तो मिलेगा ही बाबू। चलो उस दिन जब हॉर्न का साउंड हुआ था तुमने बाहर जाके देखा था तुम्हारा भैया है कि नहीं? नहीं सर, मैंने बाहर जाके नहीं देखा था, मैंने सिर्फ हॉर्न का आवाज सुना था। हेलो मिश्रा जी। हाँ सर जी। उन दोनों को छोड़ दीजिए और आप जाके मायंक लोगों के घर के बाहर वेट कीजिए। सर जिन्होंने मर्डर किया सर उनको कैसे छोड़ दे सर? मैंने जैसा कहा है आप वैसे कीजिए। आप जाके मायंक लोगों के घर के बाहर वेट कीजिए और जब भी मायंक निकले मुझे बस एक कॉल कर देना, ठीक है? ओके सर जी। हाँ ठीक है। हेलो राजेश। हाँ सर बोलिए। तुमसे एक हेल्प चाहिए था। ये चाकू, क्लोरोफॉर्म, इन सब का इस्तेमाल हम कब से करने लगे? तू ज्यादा सोच रहा है, इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है, और अगर हमें बचना है तो इन सब का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। मुझे पता है तुम दोनों ने ही मर्डर किया, ठीक है? तुम लोग अपने आप को सरेंडर कर रहे हो ना, मैं पुलिस को सब सच सच बता दूँ। भाई हम तुझे सब सच सच बताने वाले थे, इतने में तुझे पता चल गया, पर हम लोग खुद सरेंडर करेंगे। ये मरा नहीं है सिर्फ बेहोश हुआ है, इसे भी वहीं ले जाते हैं जहां राहुल को रखा है। ये तो पुलिस का फोन है। हेलो सर। मैं क्या बोल रहा था, उस दिन जो तुम लोग गए थे ना पार्टी करने, वहां पे थोड़ा जाना था इन्वेस्टिगेशन के लिए। सर अभी जाना है? अभी नहीं, शाम को। ठीक है सर। अब क्या करें? देख दोनों एक साथ बाहर जाएंगे तो फंसेंगे, तू इसे ठिकाना लगा, मैं वहां जाकर सब सबूत मिटा के आता हूं। बहनचोद कहां फंस गया? हेलो मिश्रा जी, तैयार रहिए, बकरा आ रहा है। अब आएगा मजा। मिश्रा जी बोलिए। सर जल्दी आइए सर, वो लोग निकल चुका है सर। क्या? आप उनको पीछे कीजिए, मैं अभी आ रहा हूँ, पांच मिनट बाद, ठीक है? पीछे कीजिए आप। हाँ सर जल्दी आइए सर जल्दी।
भैंसोद बहुत भगा ले तुम्हें। हाथ ऊपर कर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। अबे भोसड़ी के हाथ में लाश लेके बैठा है तू, बता रहा अभी तूने कुछ नहीं किया। अब तो सच बता दे चूतिए। सर मैं सरेंडर करने वाला था लेकिन उसी वक्त सर। आप यहाँ संभालिए, मुझसे कर दो ठीक है? चाहिए। हेलो। हाँ बोल। पुलिस मेरे पीछे पड़ा है, तू जितना जल्दी हो सके वहां से निकल। क्या कहाँ भाग रहा है? सर सर मैंने पूछा क्या? सर 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 मदद करो सर सर सर। भोसड़ी के सरेंडर कर दे, सजा कम करवा दूंगा। मादरचोद पीछे से क्या बार करता है? दम है तो सामने आना। बहुत भगाया बहन चौथ आज। अब जीत खा क्या हो क्या? मिश्रा जी मंडप सजाओ, दूल्हा मैं लेके आ रहा हूं।
अबे उठ, कितना सोएगा? अबे चूतिए, ये तेरा घर दे तू इतना सो रहा है, उठ। भोसड़े के तब से सो रहा है। स्टेटमेंट लिखना जल्दी बोल। अरे चूतिए सर कुछ पूछ रहा है, बोल जल्दी। सर 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 असल में उस दिन हम लोग पार्टी कर रहे थे, मैं उस दिन सर अभी ने कुछ ज्यादा ही दारू पी लिया था। चल सिगरेट का किया, तुम लोग कितना फ्री का खाएगा, तो सिगरेट लेके आ जाओ ना। चल देखो देखो भाई, बहुत बार तेरे को समझाया, माँ बहन का मानी मत दिया, इतने फ्री का खाने का शौक है तो दोनों का बहन को मेरे पास भेज देना और रोज फ्री में खाते रहे। देख बहन पे मत जा, नहीं तो हाथ पे चल जाएगा। क्या कर रहा है बहन चोद, क्या कर रहा है? और छोड़ छोड़ छोड़, हाँ बहन चोद दोनों में ही फेरा देगा माता चोद। हम भी नशे में थे, हमारा भी गुस्सा अपने आप में नहीं रहा सर, हमने उसे मार दिया सर। ये क्या कर दिया? हाँ भैया बस ये क्या कर दिया भाई, अभी को मार दिया तुम लोगों ने। राहुल सुन ना भाई, मैं तुम्हें समझाता हूँ भाई भाई भाई। राहुल राहुल भाई भाई राहुल चला गया भाई। हाँ अभी इसका क्या करें, इसे सुबह देख लेंगे, अभी तू चल राहुल को समझाते हैं। सर एक्चुअली राहुल को समझाने के बाद हम अभी के घर के बाहर भी गए थे, वहाँ फेक हॉर्न बजाया था ताकि सभी को लगे कि हमने कुछ नहीं किया है और हम अपने कहानी को अपने हिसाब से मोड़ दे सके सर। और उसके बाद सर हम सुबह जाके अभी के लाश को ठिकाना लगा के आ गया। और राहुल को तुम लोगों ने क्यों मारा था? सर हम राहुल को मारना नहीं चाहते थे, पर उसको हमारे बारे में सब पता था और हमें डर था कि वो पुलिस के सामने अपना मुंह ना खोल दे, इसलिए हमने तो मार दिया तुम लोगों ने उसको। सर हम तो आपको पहले भी नहीं बोले थे सर, कॉल डिटेल्स निकाल लिए होते तो आज इतना भागा दौड़ा हम लोगों को करना नहीं होता सर। तो सर आप बताइए सर, आप इन दोनों पे अभी कौन सा धारा लगेगा सर, सजा क्या होगा? IPC धारा 302 के तहत अगर कोई इंसान किसी का मर्डर करता है तो उसे 2 सजा मिलता है, एक आजीवन कारावास और एक फांसी। अब इन्होंने तो 2 मर्डर किया है मिश्रा जी, और एक अटेम्प्ट मर्डर, इनका तो लगने वाला है मिश्रा जी। अब तो ये जाएंगे सर, भूख का रोटी तोड़ने का दिन आ गया है। मिश्रा जी चलते हैं फिर, बहुत सारा कुछ पेंडिंग है, सबको सॉल्व करना।